तो जो दर्दमंद इंसान होता है उसके लिए कुरान अपनी आयतों को नाजिल कर दिया करता है। बड़ा इंसान जिसका बड़ा मकसद हो, दूसरा ये कि वो दर्दमंद हो, तीसरा ये कि ऐसा इंसान अपनी जरूरतों को वो पीछे रखता हो, कौम की मिल्लत की जरूरतों को हमेशा आगे रखता हो, उन्हें क्या जरूरत है समझ जाना। अल्लाह वो इबादतें कबूल कर रहा है, लेकिन अगर नमाज भी पढ़ रहा है, चोरियां भी कर रहा है, अगर इबादत भी कर रहा है, मोमिन भाई की गइबत भी कर रहा है, अगर रोजे भी रख रहा है, पड़ोसियों का हक भी छीन रहा है, अगर खुम्स ज़कात की अदायगी कर रहा है, यतीमों का हक भी छीन रहा है, तो फिर समझ जाना ये इबादत इबादत नहीं है, बल्कि शैतानी आदत बनकर रह गई। हम दुआ तो मानते हैं जिसमें, लेकिन जो असल दुआ है वो भूल जाते हैं। भाई दौलत दे, इज्जत दे, शोहरत दे, माल दे, औलाद दे, हुकूमत दे, ये सब तो जुज़्वी दुआ है, लेकिन असल दुआ ये है जब नमाज से फारिग हो, हाथों को उठा के गए परवरदिगार, जो अमल मैंने अंजाम दिया है, इस अमल को कयामत के दिन मेरे लिए खाई से नजात करार देना। I'm here to see.